अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, न्यू इंडिया स्टनिंग वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट रोड ऑफ दिल्ली इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट फ्रॉम एरो सिटी, और न्यू वे जर्नी की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद नदीम जंजुआ। बारिश अगलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। सामने अगर आप देखें तो आपको दो रास्ते के बोर्ड्स नजर आएंगे। एक रास्ता जो है अभी नया बनाया, राइट की तरफ एलिवेटेड, वो कार्गो टर्मिनल की तरफ जाता है एयरपोर्ट में। और ये जो रास्ता है जिस पर भी हम हैं, ये एरो सिटी से होता हुआ टर्मिनल T3 और टर्मिनल T2 की तरफ जाता है। अभी रिसेंटली में ये जो रोड है पूरी की पूरी, इसे रीडेवलप किया गया, बहुत ही ज़्यादा वाइडन किया गया। आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस देखी हो, जब G20 था तब इस रोड को वाइड किया जा रहा था, और अभी आप देखें तो पूरी तरीके से ये जो रोड है ये बनकर तैयार है। ऊपर से राइट में अगर आप देखें एलिवेटेड रोड आपको नजर आएगी। ये जो आपको होटल दिख रहा है ये पुलमैन होटल है, एरो सिटी का एरिया जाता है। लेफ्ट में पुलमैन होटल और जो हयात होटल है उसके आगे वो आपको नजर आएगा। सामने अगर आप बोर्ड देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा एरो सिटी गुरुग्राम टर्मिनल T3। तो एरो सिटी लेफ्ट में है। ये जो आपको दिख रहा है सामने ग्लास की बिल्डिंग, ये
जी वाह, आउट क्लास जी, आउट क्लास। और ये तो हमने उस वक्त जब बन रही थी ना, थोड़ी सी डेवलप हो रही थी उस वक्त भी हमने एक रिएक्शन किया था, लेकिन उस वक्त कुछ जो है वो एरिया का काम हो रहा था, हो रहा था, चल रहा था। लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं तो इस वक्त तो मैं कहता हूँ कि लशपश हो गई है हर चीज की, और ऐसे चमका दिया है ना रोड को, और मजा आता है वहां पे ड्राइव करके देखने का आगे पीछे, और अंडर पास जितने की खूबसूरत इन्होंने बनाए हैं। और सबसे जो मेन चीज मुझे जो सबसे पर्सनली अच्छी लगती है वो है ग्रीनरी, और जो इन्होंने डिवाइडर पे ग्रीनरी का सिस्टम रखा है, दरख्त लगाए हैं वैसे ग्रीनरी रखी है, मैं कहता हूँ कि आउट क्लास, और उससे वैसे ही जो है ना वो खूबसूरती में इजाफा हो जाता है इसमें। और ये चीजें जो है ना वो देख के ना एक आंखों को ठंडक भी पहुंचती है, इतनी साफ सफाई होता है, इतना रख रखाव रखा हुआ है उस रोड का, और ये एयरपोर्ट रोड मैं कहता हूँ कि बंदा चाट ले वैसे। और जो त्योहार नहीं करो, नहीं यार हमें यहाँ पे ऐसी नसीब नहीं होती, सीधी बात है, सही बात कह रहा हूँ। इस्लामाबाद में है ऐसी, लेकिन एयरपोर्ट की साइड नहीं है, फिर भी ये जो है ना ये बहुत खूबसूरत है, और ग्रीनरी होनी चाहिए, इतनी साफ सफाई होनी चाहिए, खूबसूरत है, प्लेन रोड होनी चाहिए, यकीन करें, और चाटने के दिल करता है ना फिर। नहीं तो बाकी वो ये तो एक मजाक था ना, मतलब कि अच्छी है, और वैसे जो है ना ड्राइव करने का जो इस यहाँ पे लुत्फ और मजा आता है वो आप, मैं कहता हूँ कि उसकी मिसाल ही नहीं है कोई। इसलिए उर्दू लुत्फ और मजा हो। बाकी यार वाकई जबरदस्त खूबसूरत जगह थी, हर जो है ना मतलब जगह को देखा जाए अच्छे से उसे बनाया गया था। बाकी जाए मैं अगर देख रहा था टनल से निकलने के बाद भी अच्छी लाइटें थी, पहले भी लाइटें जो लगी हुई हैं जबरदस्त थी, खूबसूरत थी, पर यह है कि जगह के हिसाब से चेंज हो रही थी और बहुत इसी वजह से खूबसूरत लग रही थी, और हर जगह को अच्छा डेवलप किया, जो टनल के साथ जो निकले हैं और साथ में जो उन्होंने साइड बनाई हुई थी वो बहुत जबरदस्त थी, ऊपर भी पौधे हम देख रहे थे वो भी लगे हुए थे, हर चीज को ना अच्छे से डेकोरेट किया गया है, मतलब इसके पीछे जो भी करने वाले थे उन्होंने फुल मतलब इसको दिया है, लुक दिया है कि हर तरह से जो है ना G20 हो या बाद में भी हो खूबसूरत लगना चाहिए। तो जो इसमें बनाए गए थे वो मेरा ख्याल हाथी बनाए गए थे, वो भी स्टैचू जो बनाए थे वो भी जबरदस्त थे, और सफाई का इंतजाम देखा जाए तो वो भी जबरदस्त था, लाइटें थी मतलब जो टनल के अंदर भी थी, मतलब हर चीज से ना डेकोरेट किया गया, बहुत ही जबरदस्त लग रहा था, बहुत खूबसूरत था नो डाउट जी। और सबसे जो मुझे कीमती चीज लगी कि लोग जो हैं वहां पे रश भी कम लगा, सेकंड थिंग कि लोग ख्याल भी कर रहे हैं आवाम जो है, और ये जिस तरह लश पश हुआ पड़ा था ना, और यकीन माने G20 की मीटिंग कब की हो चुकी है और अभी तक लश पश है, मतलब अभी तक उसका रख रखाव कर रहे हैं, कर रहे पौधे काटे जा रहे हैं, सही तरतीब दी जा रही है, और राइट साइड पे जो डिवाइडर था उसके आगे जैसे वो टर्नर से निकले थे उसके पास राइट साइड पे वो ग्रीनरी आई थी, उसके पौधे जो थे वो पौधे ऐसे हैं आप कटिंग ना करें तो वो बिखर जाते हैं, वो ऐसे ही बद्दे से हो जाते हैं, तो उनको उन्होंने कटिंग करके एक डिजाइन में डाला हुआ था, और मतलब पता चल रहा था कि इसका टेक केयर हो रहा है, और वो आपके मंत्री हैं क्या नाम है उनका, नितिन क्या नाम है, नितिन गडकरी, वो उनका काम है, और वाकई उनको सलूट पेश करना चाहिए क्योंकि बंदा अपने काम में वाकई माहिर है और वो ठीक काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे अगर आप टनल के नीचे से गुजरते हैं या पुलों के नीचे से गुजरते हैं तो आपको नीचे से व्हील आती है कि भाई कब के पुराने हो चुके हैं उनके जीव जीव, वो पुराने तो पुराने रह गए, यहाँ पे लाइटें ही नहीं होती, लाइटें बिल्कुल नहीं होती, चीज ये है कि बंदे को अपनी लाइट निकासी करनी पड़ती है निकासी कहीं पे भी जाए, निकासी का उल्टा ट्रैक बना हुआ है ऊपर, वो ना निकासी का इंतजाम भी कोई खास नहीं है, तो यहाँ काफी जो है ना यहाँ पे जो गुजरे हैं, और मैं वहाँ पे मेंशन कर रहा था, मैंने कहा यहाँ पे तो सीवरेज का सिस्टम नीचे भी है, तो गुजरे उन्होंने सड़क को डैमेज नहीं किया, ऊपर जाली लगाई हुई थी तो ऊपर लगा हुआ था कि गाड़ियों को भी मसला नहीं हो रहा, कोई जंप नहीं क्रिएट हो रहा, और नीचे से वो सर्वेज का सिस्टम जो है वो भी जबरदस्त हो रहा है। कभी कभार हमें थोड़ा सा पाकिस्तान में कहीं इस्लामाबाद के करीब हमें मिलता है इस तरह का माहौल थोड़ा बहुत देखने को, तो हम वो या कहीं लाहौर में डिफेंस एरिया जो है ना मीन्स के वो वहां पे सफाई 24/7 रहती है ना, तो अगर अवाम भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर ले तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है और बेहतर से बेहतर हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट का जो उन पे पैसा लगता है वो कम लगेगा, वो अवाम पे लग सकता है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए वो यूज हो सकते हैं, चीज जो है अवाम सोचती है, वहां की पढ़ी लिखी अवाम है। और बाकी ये है कि जो साइड पे डिवाइडर थे, डिवाइडर से लेकर वॉल्स जो थी उन पे भी उन्होंने निकाशकारी की हुई थी, एक जगह पे मैंने फ्रेम्स देखी है लेफ्ट साइड पे और वो लगी हुई थी, आई डोंट नो वो किन की थी, लेकिन यह है कि उसमें और सीनरीज या कुछ चीज होंगी वो लगी हुई थी,
अब ये चीजें जो है माहौल को दर्शा रही हैं। हम यूरोप में या कहीं और जाते हैं तो हम इस चीजों को तस्वीरें देखते हैं ना लोगों की, तो हम कहते हैं यार वहां पे देखो स्ट्रीट भी सजी हुई है एक हाँ नॉर्मल वे में, जहां पे बंदा कभी महीने में एक बार चक्कर लगाएगा वो स्ट्रीट भी उन्होंने ठीक रखी हुई है। और वहां के लोग जो है अपनी मदद आप जो है वीडियो बनाने के चक्कर में या और तरह से या कार्ले के माहौल को साफ करने के चक्कर में वो चीजें करते हैं, और वो उससे जो है इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है और दूसरे बिल्कुल, लोग देखा देखी उस चीज को अपनाते हैं अच्छी चीज और को। उन्होंने रोड ब्लॉग जो बनाया ना वो बड़ा बहुत मस्त अच्छा बनाया, और वॉइस पूरी ओवर भी जानकारी दी है इसके बिल्कुल मुताबिक, वॉइस और ओवर जो जहां किया जहां से गुजर रहे थे वहां वहां के बारे में बता रहे थे। बता रहे थे इससे ये बिल्कुल होता है कि इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, साथ साथ पता चलता है कि कहाँ से गुजरे हैं। उन्होंने कहा ये 6 से 8 किलोमीटर का जो है ना वो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस था, उसमें से ये वीडियो मैं 9 10 मिनट की वीडियो बनाई हाँ है, बिल्कुल तो बड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और अंदाज भी अच्छा है इनका, क्योंकि इनकी पहले भी हमने काफी वीडियो की हुई है न्यू वे जर्नी वालों की, हाँ और बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से ये है ना वीडियो भी क्रिएट करते हैं और बेहतरीन वीडियो होती है इनकी। मजा आया जी देख के। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।